पिछले एक माह में धौलपुर पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में पिछले एक माह में धौलपुर पुलिस ने इनामी बदमाशों की धरपकड़ व अवैध हथियारों, अवैध शराब, अवैध खनन, जुआ, सट्टा आदि की रोकथाम के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। पिछले एक माह में जहां 25 इनामी बदमाशों को धर दबोचने में सफलता हासिल की है, वहीं अवैध हथियारों की रोकथाम एवं धरपकड़ अभियान में जिला पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 अवैध हथियार व 47 कारतूस बरामद किए हैं। एसपी मेहरड़ा ने बताया कि पिछले एक माह में अवैध शराब के धरपकड़ अभियान में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां कार्रवाई के दौरान 2371 अवैध देसी शराब के पब्बे, 167 बियर की बोतल, 147 अंग्रेजी शराब के पब्बे, 20 लीटर हथकड़ शराब, एक जीप व एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। यही नहीं, जुआ एवं सट्टा में कार्रवाई करते हुए 57 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 2,88,230 रुपए जुआ सट्टा राशि को भी जब्त किया गया है। एसपी ने बताया कि पिछले एक माह में धौलपुर जिले में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जहां कार्रवाई करते हुए 19 वाहनों से करीब 187 टन अवैध बजरी एवं पत्थर जब्त किया गया है। यही नहीं, साइबर सेल ने जिले भर से खोए हुए गुमशुदा 60 मोबाइलों को अलग अलग स्थानों से बरामद करते हुए उनके हकदार मालिकों को लौटाया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा परिवहन विभाग के साथ मिलकर स्कूल बाल वाहनियों को भी चेक किया गया। पुलिस एवं आम जन के मध्य बेहतर समन्वय के लिए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा द्वारा सरपंचों के साथ बैठक कर संवाद स्थापित भी किया गया।